प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि मनाई, चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि की। बरेली भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर महानगर कांग्रेसी कमेटी के तत्वावधान में सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए मीटिंग का आयोजन कर राजीव गांधी के चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की। बैठक में महानगर अध्यक्ष चौधरी असलम मियां ने आज हमारे भारत रत्न संचार क्रांति के नायक, जो कंप्यूटर, जो लैपटॉप, जो मोबाइल जो आज हम चला रहे हैं, जिसके दम पर इस पूरे भारत का निर्माण जो हमारे किया जा रहा है, उसके नायक थे हमारे राजीव गांधी जी। इस देश के प्रधानमंत्री थे, नौजवानों, गरीबों, मजलूमों के मसीहा थे। आज उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर महानगर कांग्रेस कमेटी ने यह कार्यक्रम आयोजित किया है। आज हम ये कहना चाहते हैं कि जो सपना राजीव गांधी ने देखा था, इस देश को दुनिया की चौथी शक्ति बनाने का जो सपना राजीव गांधी ने देखा था कि देश के सबसे आखिरी व्यक्ति तक इस सरकारी योजना का पैसा पहुंचना, आज जो मनरेगा के माध्यम से लाखों करोड़ों लोग रोज़गार पाए हैं, आज जो पंचायती राज व्यवस्था लागू की है, जो सीधे पंचायत में पैसा जाता है, सड़कों का निर्माण होता है, गलियों का निर्माण होता है, ये राजीव गांधी जी की देन है। आज ये कंप्यूटर भी राजीव गांधी जी की देन है। आज इस देश में जो नवोदय विद्यालय खोले गए हैं कि उन गरीब बच्चों को CBSE बोर्ड के बराबर की, इंग्लिश मीडियम के स्कूल के बराबर की और उससे भी अच्छी व्यवस्था शिक्षा की मिले, ये राजीव गांधी जी ने व्यवस्था हमको दी है। ये एम्स हमको दिया है, मेदांता हॉस्पिटल जो हिंदुस्तान में सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, इसको ज़मीन देकर राजीव गांधी ने उनको बुलाकर यहाँ दिया है। हमारे कांग्रेस के टाइम में जो हॉस्पिटल से, जो कॉलेज, जो डिग्री कॉलेज, जो मेडिकल कॉलेज बनाए गए हैं, आज उसी की वजह से हम कोरोना से लड़ने में सक्षम हैं और उसी की वजह से हम कोरोना को हराने में कामयाब हो रहे हैं। आज हम ये कहना चाहते हैं, आज हम संकल्प लेते हैं, जो हमारा संकल्प है इस देश को बनाने का, इस देश के निर्माण के लिए, जिस पर सोनिया गांधी जी काम कर रही हैं, जिस पर हमारे राहुल गांधी जी काम कर रहे हैं, प्रियंका गांधी जी काम कर रही हैं, उन्हीं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, उन्हीं के पदचिन्हों पर चलते हुए इस देश के निर्माण के लिए हम लोग संकल्पबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं, यही हम कहना चाहते हैं। आज संकल्प लेते हैं। मैं डॉक्टर चारू मेहरोत्रा, आज राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि पर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है और हम सभी ये जानते हैं कि एक आधुनिक भारत के निर्माण में, जहाँ पर आरंभ में हम अगर जवाहरलाल नेहरू जी का नाम लेते हैं, तो वहाँ पर आज इस बात को हम इनकार नहीं कर सकते कि तकनीकी रूप से सक्षम एक सशक्त भारत के परोधा के रूप में हम राजीव गांधी जी को आज याद करते हैं। लैपटॉप, शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करना और सबसे बड़ी बात कि जन जन तक संचार क्रांति को पहुँचाना, एक आम आदमी के हाथ में मोबाइल, ये इस बात को बताता है कि राजीव गांधी जी की सोच जो थी वो भारत के आम व्यक्ति से कहीं आगे की। उन्होंने बहुत पहले इस बारे में सोच लिया था कि आगे आने वाले समय में अगर हिंदुस्तान को एक प्रगतिशील, विकासशील और सशक्त देश बनाना है, तो उसके लिए हमें अपने नागरिकों को भी सक्षम बनाना होगा, जिससे वो तकनीकी रूप से सक्षम हो और इन तकनीकी चीज़ों का इस्तेमाल भी आम व्यक्ति अपनी ज़िंदगी के प्रयोग में लेकर आए। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसी के साथ हमारे देश में जो एक ईमानदारी, सबसे ज़्यादा ऑनेस्ट प्राइम मिनिस्टर के रूप में हम उन्हें मानते हैं कि वो एक पहले शख्स थे जिन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि अगर देश को उन्नत करना है तो हमें अपने आप को समर्पित भाव से और हमें ईमानदारी से कार्य करना होगा। ऐसे बहुत सारे निर्णय जिनको लेने में शायद आज वर्तमान की सरकार भी इतनी सक्षम नहीं है, और बहुत सारे नियम जो उन्होंने बनाए, कानूनों जो उन्होंने बनाए, या उन्होंने जिन योजनाओं के नाम दिए, नाम बदल कर भले ही आज वर्तमान सरकार अपने नाम पर वाहवाही लेने की कोशिश करे, लेकिन मूल में अगर देखा जाए तो उन सभी योजनाओं को क्रमशः अगर हम देखें तो उनकी शुरुआत करने वाले राजीव गांधी ही थे जिन्होंने इस आधुनिक भारत को आज इस स्तर पर पहुंचाया कि आज सभी लोग उसी का सहारा लेकर, क्योंकि जब उन्होंने कंप्यूटर क्रांति लाए तो हमारी यही पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां कह रही थी कि देश बहुत गरीब है, यहाँ के लोग बहुत गरीब हैं, यहाँ पे मोबाइल की ज़रूरत नहीं है, रोज़गार की ज़रूरत है। लेकिन वो जानते थे कि रोज़गार के साथ साथ हमें तकनीकी रूप से भी सक्षम होना पड़ेगा। जैसे कि चीन, अगर आज वो हमारे बीच में होते तो ज़रूर आज तो हम केवल कल्पना कर रहे हैं इस कोविड महामारी के बाद कि शायद भारत एक बहुत बड़ा विश्व का बाज़ार के रूप में उभर कर आए। लेकिन केवल बातों से थोड़ी होगा, क्या हमने अपने मजदूरों को जो है कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के लेवल तक सक्षम बना पाए हैं? नहीं बना पाए हैं।
जबकि चाइना में एक आम गरीब गांव-गांव तक का व्यक्ति भी तकनीकी शिक्षा में माहिर है। इसीलिए चीन ने पूरे विश्व के बाजार पर अपना कब्जा कर रखा है और हर व्यक्ति की पसंद की चीज़ें बनाई हैं, जिसे उच्च वर्ग से लेकर निम्न वर्ग तक के लोग उसे सस्ते और एक टिकाऊ उपभोक्ता के रूप में उन चीज़ों का इस्तेमाल करता है। अगर राहुल गांधी जी आज जिंदा होते तो बात ये बिल्कुल सही थी कि आज भारत विश्व व्यापार में एक अग्रगणी नाम होता और हमारा नाम आज चाइना के स्थान पर होता, क्योंकि उनकी सोच ऐसी थी, नवोदय विद्यालय बनाने का उनका लक्ष्य यही था कि जिससे हमारे बच्चे शुरू में ही शैक्षिक और व्यावहारिक दोनों ही शिक्षाओं को प्राप्त करें, जिससे वो जिंदगी में अपने जीवन में रोज़गार को ले पाएँ। और स्किल्ड, जो एक रोज़गार चलाने के लिए एक तकनीक शिक्षा के लिए स्किल की ज़रूरत होती है, वो उनके अंदर डेवलप हो। एनजी न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।